नमस्कार, सुप्रभात। आज के डॉट न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ समाचार में मैं नीलम कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं। उल्लेखनीय है कि कल 10 दिसंबर 2022 को मानवाधिकार दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस मानवाधिकार दिवस पर बोलते हुए राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा कहा गया कि हमें एनवायरमेंटल डायमेंशंस का ध्यान रखना चाहिए। मौसम परिवर्तन क्लाइमेट चेंज दस्तक दे रहा है, इसकी बड़ी कीमत गरीब देशों के गरीब जनता को उठानी पड़ रही है। हमें मानवाधिकारों को सुरक्षित, संरक्षित एवं विकसित करने के लिए प्रकृति के साथ मर्यादित व्यवहार रखते हुए संवेदनशीलता और सहानुभूति का भी ध्यान रखना होगा। इस अवसर पर आयोग के प्रमुख जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा द्वारा विचार व्यक्त किए गए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों में औद्योगिक कचरा के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी भोपाल गैस ट्रेजेडी के स्थान पर टनों खतरनाक कचरा बिखरा हुआ है। गुजरात विधानसभा में भूपेंद्र पटेल को निर्वाचित विधायकों ने अपना नेता चुना है। श्री पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हिमाचल प्रदेश में सुविंदर सिंह सुक्खू नए मुख्यमंत्री तथा निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री होंगे। आज दोनों लोग हिमाचल में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा नव निर्वाचित एमसीडी के पार्षदों से समन्वय स्थापित करने के लिए दिल्ली को 12 जोनों में बांटा गया है। इन 12 जोनों की जिम्मेदारी 4 नेताओं को सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के अनुसार जम्मू में लड़ाके लगभग समाप्त हो चुके हैं तथा कश्मीर में लड़ाकेपन में अर्थात मिलिटेंसी में अब तक की सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है। फारूक अब्दुल्ला के अनुसार जब तक जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी तथा सम्मान नहीं मिलता तब तक प्रदेश में विकास संभव नहीं है। मेघालय सरकार द्वारा टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के ऊपर प्रधानमंत्री के ऊपर जानबूझकर अपमानजनक तथा विद्वेषपूर्ण टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा प्रधानमंत्री से सीमा विवाद पर हो रहे सिमरिंग के ऊपर स्पष्ट मत व्यक्त करने का अनुरोध किया, साथ ही उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली को भी समर्थन दिया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा केरल की सरकार द्वारा चांसलर के परिवर्तन संबंधी बिल के प्रस्तुत होने के दूसरे दिन ही आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा गया कि राज्य का एकाधिकार सोल राइट नहीं है तथा ऐसा सरकार नहीं कर सकती। निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री के सबक सिखाओ के वक्तव्य को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है। विगत दिनों कांग्रेस के 2 पार्षदों द्वारा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पश्चात जनता के दबाव में उन्होंने पुनः कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विश्राम के बाद बूंदी राजस्थान से प्रारंभ हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एमसीडी चुनाव में भारी चुनावी मशीनरी को झोंक कर एमसीडी चुनाव को अब तक का सबसे कठिन चुनाव बना दिया है। उन्होंने सत्येन जैन के वीडियो का संदर्भ देते हुए कहा कि मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार का मीडिया पर दबाव बनाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई द्वारा सीमावाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल के गृहमंत्री से मुलाकात का कोई असर नहीं पड़ेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, कर्नाटक इससे कोई समझौता नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में 8 वर्षीय बालक जो कि 6 दिसंबर को बोरवेल में गिर गया था, वो 80 फीट गहरे में फंस गया था। कल अर्थात शनिवार को उसका शव बरामद किया गया। पंजाब के तरनतारण में पुलिस स्टेशन पर रॉकेट नुमा चीज से हमला किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि किसी भी अपराधी को या दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 2022 में
कार्य करते हुए पत्रकार एवं उनसे संबंधित कर्मचारियों में से 67 लोगों की मृत्यु कार्य करते हुए हो गई। ईडी द्वारा अर्थात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा छत्तीसगढ़ की उप सचिव सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर वैष्णवी तथा अन्य की 152 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। ये मामला कोयला घोटाले से संबंधित है। गुवाहाटी में आईआईटी के गणित के प्रोफेसर का शव उनके निवास स्थान से प्राप्त हुआ है। चेन्नई के नज़दीक महामल्लपुरम बंदरगाह पर मेंटोस नामक समुद्री तूफान द्वारा बड़ी तबाही मचाई गई है, जिसमें अनेकों पेड़ उखड़ गए, इसमें तथा 5 लोगों द्वारा अपनी जान गंवाई गई। चेन्नई के आसपास मौसम में भी बदलाव हुआ है, जैसा कि एम के स्टालिन द्वारा अवगत कराया गया। उड़न परी के नाम से जानी जाने वाली पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये पहली महिला हैं जो कि अध्यक्ष रूप में चुनी गई हैं। बांग्लादेश के साथ तीसरा एक दिवसीय मैच खेलते हुए बिहार के ईशान किशन द्वारा 126 गेंदों में तूफानी पारी खेलते हुए 210 रन बनाए गए। ये उनकी पहला दोहरा शतक था। इसी मैच में विराट कोहली द्वारा भी 3 वर्षों के पश्चात अपना पहला शतक 113 रन के रूप में बनाया गया। इस श्रृंखला के तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने 227 रनों की बड़ी जीत हासिल की है। विदेश मंत्री जयशंकर के अनुसार G20 देशों का सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के रखमुट को नष्ट कर दिया है, ऐसा रूस का दावा है। पेरू के राष्ट्रपति ने कैबिनेट को एंटी करप्शन की शपथ लेने का निर्देश दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पेरू, जहां बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा इसको संज्ञानित किया गया है। आज के समाचारों में बस इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नीलम कुमार सिंह इस अनुरोध के साथ कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके समक्ष ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक खबरों को देश से बाहर रहते हुए भी आपके पास प्रेषित कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।